क्या एक देश के प्रधानमंत्री का एक देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह का व्यवहार शोभा देता है? ये सवाल मैं नहीं दोस्तों सोशल मीडिया में इस वीडियो के जरिए उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी को जबरदस्त ट्रोल भी किया जा रहा है। तमाम तरह के ट्रोलर्स इस वीडियो में बॉलीवुड के गाने लगाकर ये सवाल पूछ रहे हैं पीएम मोदी से, ट्रोल कर रहे हैं पीएम मोदी को, ये कहते हुए कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आतिशबाजी देखनी ही है तो फिर आराम से खड़े होकर भी देखी जा सकती थी। इसके लिए गर्मजोशी दिखाने के लिए इस तरह के व्यवहार को दिखाना, इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करना, ये जानते हुए भी कि आसपास कैमरेज हैं, कितना सही होगा? ट्रोलर्स तो जब तक बोल रहे थे तब तक बोल रहे थे, लेकिन सब हैरान तब हो गए जब बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के इस व्यवहार पर आपत्ति जाहिर की और उनकी आलोचना करते हुए कहा, जब तक मोदी पीएम है तब तक ऐसे गले मिलना बंद होना चाहिए। आमतौर पर राष्ट्रपति से ऐसे व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री की खिंचाई करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन अफसोस। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर व्यंग करते हुए लिखा, ये क्या है? तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि एक देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री अगर इस तरह का व्यवहार करें तो उनकी खिंचाई की जाती है, उनकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसीलिए कौन ही आलोचना करेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या गलत लगता है, जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। आतिशबाजी हो रही है सामने, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे फ्रांस में और खुद राष्ट्रपति ने डिनर होस्ट किया था पीएम की शान में, और उसके बाद कुछ इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति आतिशबाजी का मजा ले रहे थे और पीछे जो कैमरे थे उन्होंने ये सब कुछ कैद कर लिया। अब इसी वीडियो को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं इस तरह के गले मिलने की जो आदतें हैं, इस तरह के गले मिलने का जो व्यवहार है, ये बंद होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को बस अभी महीना ही हुआ है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, हर वीडियो में दिया गया है थैंक्स का ऑप्शन, और इसके अलावा आप मेरे मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन बटन के जरिए। थैंक यू।